गुड इवनिंग टू ऑल। हाउ आर यू स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग और कैसी आपकी स्टडी चल रही है? होप इट्स गोइंग ऑन वेल नाउ। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं अपने वर्क को। आई वेलकम यू ऑन दिस चैनल इंग्लिश बाय जन्मेश सर, एंड टुडे वी डू हैव दिस प्रैक्टिस सेट सेकेंड फॉर द LT सुपर टेट टेट सी टेट एग्जामिनेशंस। जी अबूसद, रजा, रीना, आबिदा, संध्या, रीना, वेरी गुड इवनिंग बच्चों। तो हम शुरू करते हैं अपने वर्क को और लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। थोड़ा सा मिक्स मैंने क्वेश्चंस को लिया है आज आपके लिए। तो ये रहा बच्चों सबसे पहला क्वेश्चन आपका। सबसे पहले क्वेश्चन को देखेंगे और फाइंड आउट करेंगे कि यहां पे हमारा आंसर क्या बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप देखें तो इसमें लिखा है शी बंपर इनटू हर बॉय एक्स बॉयफ्रेंड इन द स्ट्रीट, है ना। ऑल हर एफर्ट्स टू अवॉइड हिम, तो क्या स्पाइट थ्रू या फिर डिस्पाइट या फिर ऑल दो, इनमें से हम क्या यहां पे फिल अप करेंगे? जी मीनाक्षी, सतीश, गुड इवनिंग। तो बच्चों यहां पे आंसर क्या होना चाहिए? क्या हम यहां पे डिस्पाइट भरेंगे, ऑल दो भरेंगे, थ्रू भरेंगे या फिर स्पाइट होगा? ओके मीनाक्षी, सी कह रही है डिस्पाइट, बिल्कुल सही है। बच्चों ध्यान से देखेंगे यहां पे डिस्पाइट ही आएगा। डिस्पाइट का मींस होता है के बावजूद, और अगर कभी यहां पे इंस्पाइट आ जाए तो याद रखेंगे इंस्पाइट के साथ में ऑफ आता है, यानी कि जो बात इंस्पाइट ऑफ कहता है वही बात डिस्पाइट कहता है, इसके साथ में कभी ऑफ नहीं लगता, ध्यान रखना है। तो आंसर हमारा क्या बन जाएगा यहां पे? सी का मतलब है कि वो अपने बॉयफ्रेंड से स्ट्रीट में टकरा गई डिस्पाइट ऑल हर एफर्ट्स टू अवॉइड हिम, उसे अवॉइड करने के हर एफर्ट के बावजूद भी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। जी गुड इवनिंग अंश, राखी, वेरी गुड इवनिंग बच्चों। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड बाई एडिंग वाई, आपको वाई एड करना है इन द प्राइमरी वर्ड। प्राइमरी वर्ड सब बच्चे जानते हैं वो वर्ड्स होते हैं जो कभी भी डिवाइड नहीं होते आगे, है ना, बल्कि उनसे आगे वो वर्ड बनते हैं। तो कैसे फॉर्म करना है आपको? वाई एड करना है। तो देखो इजी, क्लाउडी, एंग्री, है ना, या ऑल ऑफ द एबो, कौन सा बनेगा इनमें से? ऑल बनेगा, बिल्कुल सही आंसर है राखी, करेक्ट आंसर हो गया रीना, बिल्कुल आपका। तो बच्चों अगर हम इसमें देखें तो ईज में, क्लाउड में, एंगर में आपने जोड़ के वाई क्या बना दिया, तो ऑल ऑफ द बनेगा, क्योंकि सबका सबका एंड क्या होता है, एडिंग किससे हो रही है? वाई से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। चूज द अल्टरनेटिव विच इज नॉट ए निगेटिव प्रिफिक्स। देखो ध्यान से, सब बच्चे जानते हैं जैसे मैं कह दूं आपको जॉब और मैं कह दूं जॉब लेस, तो लेस आपने इस जॉब के बाद में जोड़ा, ये बच्चों क्या बन गया? सफिक्स। ये क्या बनेगा आपका? This would be the suffix. तो ये आपका suffix बनता है, और अगर आप किसी word के शुरू में जोड़े तो वो prefix बनता है। क्या बनता है बच्चों? Prefix. जैसे मैं कह दू satisfy के पहले लगा दू dissatisfy, है ना। तो इसमें से कह रहा है कौन सा इनमें से नेगेटिव नहीं है, नॉट नेगेटिव। आंसर क्या दिया है बच्चों ने? हाँ प्रो, बहुत अच्छे सब बच्चे, करेक्ट आंसर कर दिया आपने प्रो। अगर हम किसी वर्ड के शुरू में एंटी जोड़ते हैं तो बच्चों बनता है उसके अपोजिट, लेकिन प्रो बनता है उसके फेवर में, जैसे प्रो नाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और ध्यान से देखना है आपको, उसमें फाइंड आउट करनी है एरर कौन से पार्ट, सॉरी यहां पे फिलअप करना है। क्वेश्चन है आपका कंप्लीट फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। देखो क्या लिखा है, स्कोर्स ऑफ विलेजर्स आर, तो यहां पर भरना है आपको परफॉर्मिंग अ सिट इन प्रोटेस्ट, सिटिंग, स्टेजिंग या फिर बच्चों स्टैंडिंग, क्या बनाएंगे आप यहां पर? तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको फाइंड आउट करना है कि आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर यहां पे होना चाहिए। ऑलराइट बच्चों, जी बताइए क्वेश्चन नंबर 4 में आप क्या फिल अप करेंगे। ए फिल अप करेंगे, ओके परफॉर्मिंग, राखी ने सी कहा है स्टेजिंग, बाकी बच्चे बताएं आंसर करने की सब बच्चे कोशिश करेंगे। जी रूबी गुड इवनिंग, 4 का ए सतीश ने कहा है, ओके ठीक है। देखो बच्चों ध्यान से देखेंगे अब क्या है, देखो लिखा है स्कोर्स ऑफ विलेजर्स,
गांव वाले, बहुत सारे गांव वाले, स्कोर्स का मींस यहां पे किससे बनेगा, बहुत सारे, उनकी संख्या को बता रहा है। तो लिखा है स्कोर्स ऑफ विलेजर्स आर, तो जब हम कहते हैं अ सिट इन प्रोटेस्ट, तो अ सिट इन प्रोटेस्ट ना तो परफॉर्म होता, ना सिट होता, ना स्टैंड होता, बल्कि क्या होता है, स्टेज होता है, स्टेजिंग बनेगा यहां पे। तो आंसर क्या आएगा बच्चों आपका, स्टेजिंग। क्लियर हो रही है बात सबको? तो बनेगा स्कोर्स ऑफ विलेजर्स आर स्टेजिंग अ सिट इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द कंस्ट्रक्शन ऑफ द न्यू अंडर पास। गेटिंग? बहुत अच्छे, बिल्कुल सही है रूबी, करेक्ट हो गया आंसर आपका भी। हां जी, अगले क्वेश्चन पे आएंगे सब बच्चे। आइडेंटिफाई द एरर, क्वेश्चन नंबर 5 है, आइडेंटिफाई द एरर इन द सेंटेंस गिवन बिलो। देखो क्या है यहां पे, ओपनिंग हिज लेटर्स, रीडिंग देम केयरफुल्ली एंड सेंडिंग फॉर हिज क्लर्क, ही डिक्टेटेड आंसर्स विद देम। तो बताओ बच्चों क्या गलती है यहां पे? अगर हम इन चारों पार्ट्स में देखें तो हमें कहां पे गलती, तीन पार्ट्स में अगर गलती नहीं है तो आप आंसर क्या बनाएंगे यहां पे, डी बनाएंगे। ओके, 5 का बच्चों बताना है आपको। जी अनंता, गुड इवनिंग। तो बच्चों हमारा आंसर इसमें क्या होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 5 में, 5 का सी आंसर आप कह रही हैं रूबी, ठीक है राखी बी। ओके देखो बच्चों ध्यान से देखेंगे, ओपनिंग हिज लेटर्स, बिल्कुल ठीक है, लेटर्स को खोलते हुए, रीडिंग देम केयरफुल्ली एंड सेंडिंग फॉर हिज क्लर्क, ही डिक्टेटेड आंसर्स। तो बच्चों डिक्टेट के साथ में विद नहीं आता, ही डिक्टेटेड आंसर्स टू देम। आगे बात समझ में? तो टू देम बनाएंगे, ही डिक्टेटेड आंसर्स टू देम। तो आंसर हमारा क्या बन जाएगा यहां पे, सी आंसर हो जाएगा, सी में गलती है हमारी। क्लियर टू एवरीवन? हां जी बच्चों, अगले क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन नंबर 6, फिर से आपका एरर वाला पार्ट है। आइडेंटिफाई द एरर इन द सेंटेंस गिवन बिलो। देखो क्या है यहां पे, ही आस्क्ड वेदर ईदर ऑफ द ब्रदर्स वर एट होम, क्या दोनों ब्रदर्स में से कोई घर पे था, ये उसने पूछा। तो बच्चों इसमें क्या गलती बनाएंगे आप क्वेश्चन नंबर 6 में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन अगर मैं कहूं तो। 6 का बी आपने बताया रीना, ओके ठीक है राखी आपने बता दिया, वॉज बिल्कुल सही है बच्चों, सी बनेगा। आपको पता है इधर ओप के बाद में लगने वाला नाउन हमेशा प्लूरल होता है, लेकिन वर्ब कैसी होती है, हमेशा सिंगुलर, तो आप यहां पे वॉज लगाएंगे। ठीक है बच्चों? हां जी बिल्कुल ठीक है, ऑल राइट, करेक्ट हो गया जी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। 7 करे, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। इट इज कॉमन फॉर पेशेंट्स, देखो क्या लिखा है, इट इज कॉमन फॉर द पेशेंट्स टू स्टॉप। अब देखो स्टॉप के बाद देखेंगे यहां पे क्या है, स्टॉप ईटिंग मेडिसिन, गल्पिंग मेडिसिन, स्वेलोइंग मेडिसिन या टेकिंग मेडिसिन एज सून एज दे स्टार्ट फीलिंग बेटर। मतलब जैसे जैसे वो ठीक होते जाते हैं वो दवाई को लेना बंद कर देते हैं, तो खाना बंद करते हैं, गल्पिंग गल्प करना बंद करते हैं, स्वेलो निगलना बंद करते हैं, टेक लेना। ओके ओके, 7 का आपने बताया बच्चों, डी बनेगा। ओके बिल्कुल सही आंसर है राखी। जी मोनिका बिल्कुल ठीक है, करेक्ट जी राखी बिल्कुल, ये टेकिंग बनेगा बच्चों, टेक मेडिसिन। हम हमेशा किसी को कहते हैं तो स्वेलो गल्पिंग या ईटिंग नहीं कहते, हम कहते हैं टेक मेडिसिन प्रॉपरली, तो यहां पे हमारा टेक ही बनेगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, डायरेक्शन हमारी क्या बनी है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर फ्रेज। कौन सी फ्रेज है बच्चों, बाइट योर टंग, अपनी जबान को काटना। तो बताइए क्या बनेगा, टू स्टॉप योर सेल्फ फ्रॉम सेइंग समथिंग बिकॉज इट वुड बी बेटर नॉट टू, या फिर बाइट ऑफ योर टंग टू फील सॉरी, या फिर टू आस्क समवन समथिंग दैट यू वांट। ठीक है सतीश, मीनाक्षी ठीक है, रूबी ऑल राइट, राखी आपने ए आंसर दिया है, बिल्कुल सही आंसर जा रहा है बच्चों। जब हम कहते हैं किसी को बाइट योर टंग, तो इसका मीन्स होता है टू स्टॉप योर सेल्फ फ्रॉम सेइंग समथिंग बिकॉज इट वुड बी बेटर नॉट टू, मतलब के कुछ कहने से रुक जाना, क्योंकि उसे रोकना ज्यादा बेहतर होगा, है ना। तो आंसर हमारा 8 का ए बनेगा। बहुत अच्छे बच्चों, रूबी मोहिनी करेक्ट आंसर है आपका, सतीश बहुत अच्छे, करेक्ट बच्चों। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, फिल इन द ब्लैंक विद द एप्रोप्रिएट प्रपोजिशन। देखो क्या है क्वेश्चन, लेट अस मीट राजेश टूडे, लेट अस मीट राजेश टूडे, ही डज नॉट वर्क। अब बताओ बच्चों यहां पे क्या आएगा, इन सैटरडेज, अबाउट सैटरडेज, टू सैटरडेज या फिर ऑन सैटरडेज, क्या आंसर आप यहां पे फाइंड आउट करेंगे। तो 9 का आंसर बच्चों आप क्या देंगे बताइए, वॉट शुड बी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9।
करेक्ट बात है, टू आएगा यहां पे, सॉरी ऑन आएगा बच्चों, ये डी बनेगा, ही डज नॉट वर्क ऑन सैटरडेज, तो हमारा आंसर क्या बनेगा यहां पे, डी बन जाएगा जी। कई बच्चों ने आंसर दिया है, मोहिनी बिल्कुल सही है, सतीश करेक्ट है, संध्या करेक्ट है, हां जी राखी बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, डायरेक्शन है बच्चों यहां पे, अप्रोप्रिएट पैसिव वॉइस फॉर द सेंटेंस गिवन बिलो, तो पैसिव वॉइस आपको देखनी है क्या है यहां पे, दे आर प्रिपेयरिंग द पेपर्स नाउ, बताइए बच्चों क्या बनेगा हमारा इसका पैसिव वॉइस, व्हाट शुड बी द करेक्ट पैसिव वॉइस फॉर दिस क्वेश्चन, द पेपर्स कैन बी प्रिपेयर्ड, विल बी प्रिपेयर्ड, आर गोइंग टू बी प्रिपेयर्ड या आर बीइंग प्रिपेयर्ड नाउ। संध्या डी आंसर दी दे, राखी दी बिल्कुल सही आंसर है आपका, डी बनेगा। सब बच्चों को पता है यहां पे क्या लिखा है, आर प्रिपेयरिंग, इज एम आर बदलता नहीं है, पेपर्स होंगे तो आर ही आएगा, पेपर्स आर और आई एन जी की वजह से बींग लग जाएगा, तो आर बींग प्रिपेयर्ड नाउ जी। जी शालू गुड इवनिंग। अगला क्वेश्चन देखेंगे सब बच्चे, चूज द ग्रामेटिकल करेक्ट ऑप्शन दैट डिपिक्ट्स द ट्रांसफॉर्मेशन गिवन अगेंस्ट ईच सेंटेंस, देखो क्या लिखा है, व्हाट मेक्स दीज होल्स, तो इसका आपको पैसिव बनाना है बच्चों, बनाइए कैसे बनाएंगे, अगेन एक्टिव पैसिव वाली वाला क्वेश्चन आपके पास है और इसको आपको पैसिव यहां पे फाइंड आउट करना है, बनाना है, तो हाउ विल यू मेक इट, कैसे बनाएंगे आप लोग, चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट ऑप्शन दैट डिपिक्ट्स द ट्रांसफॉर्मेशन गिवन अगेंस्ट ईच सेंटेंस, ओके 11 का बी आप लोग कह रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर है भाई, देखो व्हाट मेक्स दीज होल्स, तो व्हाट आर दीज होल्स मेड बाय, ये बन गया आंसर, मेड विद ये सब सब गलत बनेंगे है ना, आंसर आपका बी बनेगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, कोई बात नहीं शालू, जहां से भी बेटा वहीं से शुरू कर देंगे। अब देखो डायरेक्शंस यहां पे क्या है, अगेन यहां पे लिखा है क्वेश्चन का वही आपको अल्टरनेटिव ढूंढना है, इसमें देखो क्या क्वेश्चन है, इफ आई डू नॉट नो द मीनिंग ऑफ अ वर्ड, अगर मुझे कोई वर्ड का मीनिंग नहीं आता, आई लुक इट आफ्टर, तो देखो यहां पे लुक आफ्टर लिखा है, इसको आप देखना है इन द डिक्शनरी, तो क्या आएगा लुक आफ्टर की जगह पे, या वो सही है लुक इट आउट, लुक इट फॉर, लुक इट अप, या फिर बच्चों नो इंप्रूवमेंट, क्या बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 12 का, टू आपने कहा एग्जैक्टली सही आंसर है, बिल्कुल शालू करेक्ट हो गया ये, राखी रीना बिल्कुल ठीक है बच्चों, तो ये बी बनेगा आपका, लुक इट, लुक इट फॉर का मीन्स होता है सर्च करना, उसको ढूंढना, क्या होता है मीन्स बच्चों सर्च करना, तो लुक आफ्टर का मीन्स अगर हम देखेंगे तो क्या बनेगा, देखभाल करना, जैसे हम अपने मदर फादर की देखभाल करते हैं, अपने बच्चों की देखभाल करते हैं, तो हमें यहां पे लुक इट फॉर लगाना पड़ेगा राइट, यानी कि सर्च करना। क्वेश्चन नंबर 13 आपका बन रहा है, देखो 13 क्या कह रहा है, फिर से वही गलती है यहां पे, मिस्टर एंड मिसेस राव स्टे इन देयर होम एवरी इवनिंग, तो बताइए बच्चों क्या आएगा यहां पे, इन देयर होम को हम क्या करेंगे, एट होम, इनसाइड होम, विद इन देयर होम, या फिर नो इंप्रूवमेंट, तो 13 का बच्चों क्या बनेगा हमारा, हां बिल्कुल सही आंसर दिया है शालू आपने, मोहिनी बिल्कुल ठीक है, संध्या करेक्ट आंसर हो गया जी, राखी, तो ये बच्चों ए बनेगा आपका, आंसर क्या बनेगा हमारा, ए बनेगा, मिस्टर एंड मिसेस राव स्टे इन देयर होम एवरी इवनिंग, ठीक है जी, तो आंसर हमारा बच्चों ए हो जाएगा, एट होम का मीन्स होता है घर पे, फ्रेज है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14 कितना अच्छा है, फिल इन द ब्लैंक्स एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, सती हैज टू कैच टू फ्लाइट्स टू रीच होम, है ना, इन इन द क्रिसमस, फ्रॉम द क्रिसमस, ऑन क्रिसमस, एट क्रिसमस, क्या बनाएंगे आप यहां पे, अगर हम प्रपोजिशन किसी पर्टिकुलर फंक्शन फेस्टिवल एक्सेट्रा के पहले लगाते हैं तो इनमें से कौन सा बच्चों बनता है, आपको फाइंड आउट करना है। ऑन बिल्कुल सही है, किसी फेस्टिवल या डे के पहले बच्चों हम ऑन लगाते हैं, बहुत अच्छे, मैक्सिमम बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है, बहुत अच्छे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, फिर से फिल करना है आपको, राम वॉज एन एयर, तो बताओ ऑफ अ बिग फॉर्चून, टू अ बिग फॉर्चून, इन, या फिर विद, क्या बनाएंगे। एयर का मीन्स होता है बच्चों उत्तराधिकारी, अगर आप जानते हैं तो इसमें एच साइलेंट रहता है, इसका मीन्स होता है उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी, तो कैसे बनाएंगे हम लोग, ऑफ, ओके ठीक है, एयर ऑफ अ बिग फॉर्चून या एयर टू अ बिग फॉर्चून,
बच्चों याद रखेंगे एयर के साथ में टू आता है, लगता है देखने में मैं ऑफ, लेकिन यहां पे टू आएगा, एयर टू अ बिग फॉर्चून, करेक्ट हो गया। तो आपको ध्यान रखना है जो फ्रेज बनती है वो बनती है एयर टू, ठीक है जी, ना कि एयर ऑफ, जबकि देखने में एयर ऑफ बढ़िया लग रहा है, हम एयर में ऑफ लगा के अपना एक नंबर भी यहां पर जोड़ लेते हैं, लेकिन वो बच्चों गलत हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, आइडेंटिफाई द एरर, ही वॉज माई स्कूल फ्रेंड बट बिकमिंग अ ग्रेट मैन ही हैज ग्रोन प्राउड इनफ टू फॉरगेट हिज ओल्ड फ्रेंड, बताइए इसमें क्या गलती है। जी नीलम गुड इवनिंग। अगर हम इस क्वेश्चन को देखें, ही वॉज माई स्कूल फ्रेंड बट बिकमिंग अ ग्रेट मैन ही हैज ग्रोन प्राउड इनफ टू फॉरगेट हिज ओल्ड फ्रेंड, हम इसमें क्या बनाएंगे बच्चों। सी आंसर, ओके 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 बच्चों, बी बनेगा, मीनाक्षी बिल्कुल सही है। देखो कैसे बनेगा, ही वॉज माई स्कूल फ्रेंड बट आफ्टर बिकमिंग, देखो यहां पे आफ्टर आएगा, बट आफ्टर बिकमिंग अ ग्रेट मैन ही हैज ग्रोन प्राउड इनफ टू फॉरगेट हिज ओल्ड फ्रेंड, आफ्टर बट के बाद में आफ्टर आना जरूरी है, ठीक है जी। तो आंसर हमारा क्या बन जाएगा, बी फॉर बॉम्बे। 17, आइडेंटिफाई द एरर, टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर अ नोबेल लॉरिएट एंड द ऑथर ऑफ द नेशनल एंथम फाउंड शांति निकेतन, बताइए कहां पे गलती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है बच्चों, ट्रिकी क्वेश्चन। अगर आप देखेंगे सी आंसर आपने कहा है, बिल्कुल सही है राखी, करेक्ट हो गया। हां जी हां जी बिल्कुल ठीक है। तो बच्चों ये फाउंड नहीं बनेगा, क्या बनेगा, फाउंडेड, एफ ओ यू एन डी ई डी, अगर आप जानते हैं तो ऐसी होती है हमारी वर्ब्स, फाइंड यानी कि पाना, फाइंड, फाउंड, फाउंड। लेकिन जब आप कहते हैं नींव रखना तो हम कैसे कहेंगे, फाउंड, फाउंडेड, और बच्चों तीसरी बनेगी फाउंडेड, करेक्ट हो गया। तो यहां पे लिखा है नोबेल लॉरिएट ऑथर फाउंडेड, तो फाउंडेड आएगा शांति निकेतन, ना कि फाउंड आएगा। तो आंसर आपका क्या बन गया, हां जी स्टैब्लिश के तौर पर आएगा। 19, इफ आई बी गुड आई एलिमिनेट ऑल सफरिंग, तो क्या बनाएंगे, आपको इसकी जगह पे भरना है और इसकी जगह पे भरना है, या फिर बच्चों आपको क्या करना है कि इनकी जगह पे कुछ भी नहीं भरना है, या फिर ये सही है बल्कि इसमें सब कुछ बदल के दिया है, तो क्या भरेंगे आप। 19 का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर जा रहा है, बहुत अच्छे रीना राखी, करेक्ट हो गया। बच्चों क्या बनेगा सीधा सा, क्योंकि यहां पर इमेजिनेशन की है, वो बन थोड़ी सकता है, तो उसने क्या बोला है, इफ आई वर गुड, अगर मैं भगवान होता I would eliminate all suffering, सारी suffering को eliminate कर देता, right? तो खाली सोची गई बात है, fantasy हमारी है। Choose the word which is nearest in the meaning, देखो क्या लिखा है, there was a sign post, there was a sign post where the two paths, तो बच्चों जहां पे sign post किसको कहते हैं, जहां पे two paths क्या होते हैं, इसकी जगह पे देखना है, converge होते हैं, separate होते हैं, intersect होते हैं, merge होते हैं, diverge होते हैं, बताइए किसे हम कहते हैं साइन पोस्ट। हां जी सब बच्चे फाइंड आउट करेंगे क्या आंसर बनेगा हमारा, कि साइन पोस्ट हम बच्चों किसे कहते हैं। बी कुछ बच्चों ने जवाब दिया, डी वीना ने दिया है, ओके अनंता सही आंसर दिया है आपने, सी बिल्कुल बच्चों सी बनेगा, मर्ज होते हैं वहां पे साइन पोस्ट पे, बेसिकली क्या होता है कि टू पाथ्स यहां पे मर्ज होते हैं बच्चों, है ना, ना कि कन्वर्ज होते हैं, सेपरेट होते हैं, इंटरसेक्ट होते हैं, डाइवर्ज होते हैं, एग्जैक्टली बच्चों, है ना। तो साइन पोस्ट को आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन पे, अब देखो यहां तक हमारे क्वेश्चन सारे कैसे थे, वोकैबुलरी पे बेस्ड थे, ग्रामर पे बेस्ड थे, अब बच्चों हम कुछ क्वेश्चन ले रहे हैं बेस्ड ऑन लिटरेचर। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन 21 देखते हैं लिटरेचर पे बेस्ड। देखो द्राक्षा लिखा, द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंड, इट ड्रॉप्ड एज द जेंटल रेन फ्रॉम द, पर्सोनिफिकेशन का खतरनाक यूज किया है, लेकिन हमें यह नहीं पता बच्चों पर्सोनिफिकेशन किया किसने है, कॉर्डेलिया ने, पोर्शिया ने, मिरांडा ने, या फिर डेस्डिमोना ने। अच्छा अच्छा इंग्लिश में मीनिंग नहीं पता है, नहीं वो तो आसान है बिल्कुल, कर सकते हैं आप लोग, बिल्कुल सही बच्चों, पोर्शिया का है ये, है ना, ये पोर्शिया का है। इसका कहना है कि क्वालिटी ऑफ मर्सी स्ट्रेंड नहीं है, जबरदस्ती नहीं आती, ये तो ऐसे जेंटली गिरती है जैसे कि हेवन से रेन गिरती है, अपॉन द प्लेस बीनीथ इट इज ट्वाइस ब्लेस्ड, दो बार ये करती है, जो देता है उसको, जो लेता है उसको, ये इसका मींस बन गया बच्चों। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 22, द ल्यूनेटिक, द लवर एंड द पोएट आर ऑफ इमेजिनेशन ऑल कॉम्पैक्ट, दीज आर लाइंस कोटेड फ्रॉम अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम,
कहता है कि इस लाइन को बोलता कौन है, द ल्यूनेटिक द लवर एंड द पोएट, है ना। इसी नाम से अगर आप देखोगे तो, इसी नाम से देखेंगे बच्चों तो इज़ेकियल ने भी एक पोएम लिखी है। तो क्या आपने आंसर दिया है बच्चों इसका, क्वेश्चन नंबर 22 का, द ल्यूनेटिक द लवर एंड द पोएट, थेसियस। रीना बिल्कुल सही आंसर है, तो ये बच्चों थेसियस यहां पे बोलता है। डन एवरीवन, तो आंसर हमारा 22 का क्या बनेगा, थेसियस। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिस रॉयल थ्रोन ऑफ किंग्स, दिस स्कैप्टर आइजल आइल, दिस अर्थ ऑफ मेजेस्टी, दिस सीट ऑफ मार्स, दिस अदर एडन डेमी सेमी पैराडाइज। तो ये एक्सप्रेस कौन करता है रिचर्ड सेकंड में, बताइए बच्चों रिचर्ड सेकंड में ये एक्सप्रेशन किसने दिया है, रिचर्ड सेकंड ने, जॉन ऑफ गॉन्ट ने, बोलिंगब्रोक ने, या फिर क्वीन ऑफ रिचर्ड सेकंड ने। तो 23 का आंसर हमारा क्या होना चाहिए, सब बच्चे बताएं। ओके 23 का बेटा ए आंसर बताया आपने, ये आंसर आपका बी बनेगा, सब बच्चे ध्यान से देखिए बी बनेगा। इट इज जॉन ऑफ गॉन्ट, इट इज जॉन ऑफ गॉन्ट हु इज एक्सप्रेसिंग हिमसेल्फ हियर इन दिस पर्टिकुलर, इन दीज पर्टिकुलर लाइंस, रिचर्ड सेकंड में। अब लिखा है यहां पे, हु इज द मैसेंजर ऑफ द फेरीज इन द टेम्पेस्ट, कौन मैसेंजर है फेरीज का टेम्पेस्ट में, आपने टेम्पेस्ट में देखा फेरीज भी आती है वहां पे, तो इनका मैसेंजर कौन है, कैलिबन है, जूनो है, एरियल है, या बच्चों आयरिस है। तो क्या बनाएंगे सब बच्चे, क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या बनाएंगे आप लोग, फाइंड आउट। 24 का सी एग्जैक्टली बच्चों, ये एरियल है, याद आ रहा है सबको, एरियल ही वो है जो क्या है, एक पूरी तरह से स्प्रिट है, जिसको किसने बचाया था, प्रोस्पेरो ने, और कैसे बचाया था, वो पेड़ पे उल्टी लटकी हुई थी, तो एरियल को वहां से बचाता है, उसके बाद वे अपना स्लेव बना लेता है। वी आर सच स्टफ, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, वी आर सच स्टफ एज ड्रीम्स आर मेड ऑफ एंड अवर लिटिल लाइफ इज राउंडेड विद स्लीप, ये बच्चों कौन कहता है, ब्रूटस, पोलोनियस, हैमलेट या प्रोस्पेरो। यस बच्चों बताइए, व्हाट शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होना चाहिए, मिरांडा, ओके ठीक है, ट्वेंटी फाइव का सी, बच्चों 25 में आंसर बनेगा आपका डी, प्रोस्पेरो, बेसिकली टेम्पेस्ट से ली गई लाइन है, किससे ली गई है, टेम्पेस्ट से, राइट एवरीवन, तो इट हैज बीन टेकन फ्रॉम टेम्पेस्ट, और इसका आंसर है प्रोस्पेरो, वी आर सच स्टफ। व्हाट इज द रेप ऑफ लुक्रेसी, बच्चों आपको याद है रेप ऑफ लुक्रेसी, अगर आप देखेंगे वीनस एंड एडोनिस, रेप ऑफ लुक्रेसी 1593 एंड 1594 में लिखी गई थी, ये 1594 की है, तो ये क्या थी, सोनेट थी, नैरेटिव पोएम थी, अर्ली कॉमेडी थी, या सीन इन कोरिओलिस। 26 का बी आपने आंसर दिया, बहुत अच्छा आंसर है, करेक्ट बात है, अच्छा राखी आपने, मिरांडा, मिरांडा तो नहीं होना चाहिए था वहां पे। तो बच्चों आंसर क्या बनता है हमारा यहां पे, अ नैरेटिव पोएम, बी आंसर बनेगा हमारा, इट वुड बी बी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अच्छा मिरांडा कहती है, ठीक है राखी इसको एक बार चेक कर लेंगे, अगर टेम्पेस्ट में इसको मिरांडा कहती है ना, वी आर सच स्टफ, ये वाला आपने बोला है, We are such stuff as dreams are made of. Who says this? जी जी बेटा आप ध्यान से देखेंगे तो ये प्रोस्पेरो ही है, राखी, राखी मैंने इसको चेक भी कर लिया है बेटा साथ के साथ में एक बार फिर से, ये हमारा प्रोस्पेरो ही है ना कि मिरांडा है ना, कहीं ना कोई कोई गलती हुई है तो उसको ठीक कर लेंगे, ठीक है जी। तो ये हमारा क्वेश्चन करेक्ट हो गया, ये प्रोस्पेरो ही आंसर बनेगा। अब देखो इसको, ये क्वेश्चन हमारा हो गया नैरेटिव पोएम। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इन विच प्ले डज हर्मियोनी अपीयर एज द हीरोइन, टाइमन ऑफ एथेंस, पेरिकल, सिम्बेलियन, या फिर विंटर्स टेल। जी बच्चों तो बताइए आंसर क्या बनेगा, हर्मियोनी किस में हीरोइन बनके आती है। तो बच्चों ये आंसर है हमारा बिल्कुल सही, विंटर्स टेल, इट इज विंटर्स टेल।
तो विंटर्स टेल में बनती है हरमियोनी एक हीरोइन। 27 का आपका डी बनेगा बच्चों, डी आंसर होगा। संध्या वीना बिल्कुल ठीक है। ही वॉज नॉट ऑफ एन एज, वो एक एज का नहीं था, बट फॉर ओल्ड टाइम्स नेचर हर सेल्फ वॉज प्राउड ऑफ हिज डिजाइन। ये प्रेज करता है कोई शेक्सपियर की, तो कौन है? बेन जॉनसन, स्पेंसर, ड्राइडन या फिर बच्चों डॉक्टर जॉनसन? क्या आंसर करेंगे आप 28 का? तो 100% इसका आंसर जो बनेगा वो आपका क्या होगा? बेन जॉनसन, है ना? एग्जैक्टली बच्चों, बिल्कुल सही आंसर है रीना, करेक्ट आंसर है अनंता। तो ये बेन जॉनसन बनेगा। क्वेश्चन नंबर 29, ही वॉज द मैन हु ऑल ऑफ द मॉडर्न एंड परहैप्स एंशिएंट पोएट्स हैड द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सोल। ये बच्चों किसने कहा है? ये हमारा किसने कहा है? बेन जॉनसन ने कहा है, ड्राइडन ने कहा है, कॉलरिज ने, या बच्चों रॉबर्ट ब्राउनिंग ने? व्हाट शुड बी द आंसर हियर? मैक्सिमम बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है पहले वाले का। इसका आंसर करेंगे आप, हूज ऑब्जर्वेशन इज दिस? ड्राइडन, जॉनसन, कॉलरिज या फिर रॉबर्ट ब्राउनिंग? 29 का डी आपने बताया, ओके ओके ओके। सतीश ने बी बताया, बी बिल्कुल करेक्ट है बच्चों, ड्राइडन का है ये असेसमेंट। ऑब्जर्वेशन किसका है? ये बेसिकली हमारे ड्राइडन का। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। शेक्सपियर इज द ग्रैंडेस्ट थिंग वी हैव येट डन। इंडियन एम्पायर विल गो एट एनी रेट समडे, शेक्सपियर डज नॉट गो लास्ट फोर। ये किसने कहा है बच्चों? बेन जॉनसन, ड्राइडन, कार्लाइल या फिर हमारे रस्किन? क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर आपको देना है। तो आंसर बनेगा बच्चों आपका कार्लाइल। ये कौन है हमारे? कार्लाइल। तो सी आंसर हमारा होगा, इट वुड बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन विच ईयर वर शेक्सपियर सोनेट्स पब्लिश्ड। शेक्सपियर की सोनेट किस ईयर में पब्लिश हुई थी? 1609, 1598, 1616 या बच्चों 1600? व्हाट शुड बी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 31? सिक्सटीन आपने कहा है, ओके बच्चों ये 1609 था, इट वॉज 1609। तो ये आंसर बनेगा आपका, आंसर बच्चों आपका ए बनेगा। क्वेश्चन नंबर 32, फॉर हुम इज द फ्रेज द माउस ट्रैप यूज्ड बाय शेक्सपियर एंड हेमलेट। ये माउस ट्रैप किसमें यूज किया है उन्होंने? हेमलेट ट्रेजिक प्लो, गोस्ट ऑफ द हेमलेट फादर या फिर विद इन द प्ले या फिर बच्चों हेमलेट्स कॉन्शियंस? माउस ट्रैप आप जानते हैं, जब हेमलेट को बार बार उसका फादर एज अ घोस्ट आके कहता है कि मतलब बदला लो, तो वो देखता है कि वास्तव में जो अंकल हैं लाइक हेमलेट के, वो वास्तव में कल्प्रिट है या नहीं, तो उसी के लिए वो माउस ट्रैप को यूज करता है। तो इट इज अ, हां जी बिल्कुल सही है, प्ले विद इन प्ले। बहुत अच्छे, सभी बच्चों ने करेक्ट आंसर कर दिया है, प्ले विद इन द प्ले इन हेमलेट। Life is but a walking shadow. Life is but a walking shadow. A poor player that stirs and frets in our open stage and then is heard no more. तो बताओ ये किस में आता है? Tempest में, King Lear में, Macbeth में या बच्चों Hamlet में? ये lines हमारी कहां पे अकर होती हैं? बताइए। 33 का बताएंगे, Life is but a walking shadow. तो बच्चों ये आंसर बिल्कुल सही है आपका, मैकबेथ बनेगा। बहुत अच्छे बच्चों, इट इज मैकबेथ रीना, बिल्कुल ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। अदर्स अबाइड अवर क्वेश्चन, दाउ आर्ट फ्री, वी आस्क एंड आस्क, दाउ स्मालेस्ट एंड आर्ट सिल, आउट टॉपिड नॉलेज। ये लाइन प्रेज में है शेक्सपियर की, लेकिन ये किसने कही है? हेजलिट ने, आर्नोल्ड ने, कॉलरिज ने या बच्चों टेनिशन ने? ओके टेनिशन आपने कहा है रीना, हाँ मैथ्यू आर्नोल्ड बनेगा राखी। एग्जैक्टली ये बच्चों मैथ्यू आर्नोल्ड हैं। मैथ्यू आर्नोल्ड किसकी प्रेज कर रहे हैं? शेक्सपियर की। सोल ऑफ द एज क्या लिखा है यहां पे देखो, सोल ऑफ द एज द एप्लोज डिलाइट द वंडर ऑफ आवर ए स्टेज माय शेक्सपियर राइज। ये शेक्सपियर के लिए कौन वर्ड यूज कर रहा है वर्ड? डॉक्टर जॉनसन, बेन जॉनसन, स्पेंसर या बच्चों ड्राइडन? कौन बता रहा है इस बात को? तो अगेन हम देखेंगे 35 में, तो हमारा बेन जॉनसन आंसर आएगा। क्या बनेगा बच्चों हमारा आंसर? बेन जॉनसन, राइट एवरीवन।
तो इट वुड बी बेन जॉनसन। हां जी बिल्कुल सही है बच्चों, आंसर 35 का ए बन जाएगा आपका। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दाउ इन अवर वंडर एंड एस्टोनिशमेंट, दाउ इन अवर वंडर एंड एस्टोनिशमेंट हास्ट बिल्ट दाई सेल्फ इन अ मोन्यूमेंट एंड सो स्पेक्युलर दैट किंग्स आर टॉम्ब विश टू डाई। ये हु प्रेजिस शेक्सपियर इन दीज वर्ड्स, स्पेंसर, बेन जॉनसन, ड्राइडन या बच्चों मिल्टन। इन लाइन्स में कौन उनको प्रेज करता है, किसको अगेन, शेक्सपियर को। ओके ओके बिल्कुल सही है सतीश, आपने डी रुचि बिल्कुल ठीक है, डी आंसर बनेगा बच्चों, करेक्ट अनंता, इट इज मिल्टन, है ना, मिल्टन उनको प्रेज करते हैं जबरदस्त इन वर्ड्स में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, द ग्रेटेस्ट जीनियस दैट परहैप्स ह्यूमन नेचर हैड येट प्रोड्यूस अवर माइरेड माइंडेड शेक्सपियर, बताइए बच्चों किसने कहा है, किसका ऑब्जर्वेशन है, कॉलरिज का, हेजलिट का, सऊदी का या बच्चों बायरन का। 37 का आंसर आपको देना है, अवर माइरेड माइंडेड शेक्सपियर। तो बच्चों 37 का जो आंसर आपका होगा दैट मस्ट बी जी बच्चों कॉलरिज बनेगा, कॉलरिज, इट वुड बी कॉलरिज, ठीक है जी। तो कॉलरिज वुड बी आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द लास्ट प्ले रिटन बाय शेक्सपियर, शेक्सपियर का इनमें सबसे लास्ट प्ले कौन सा था बच्चों, 38 का आंसर करेंगे, देखो सिंबेलिन, विंटर्स टेल, द टेम्पेस्ट या पेरिकल्स। टेम्पेस्ट कविता बिल्कुल सही आंसर है, इट वुड बी द टेम्पेस्ट, ये इस इन सब में सबसे लास्ट में लिखा गया था, ये सब बच्चों को आना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे देखेंगे, देखो 39 में उसने जगह खाली छोड़ी है, बोला है फिल इन द ब्लैंक्स में द रेयरर एक्शन इन द वर्च्यू दैट इज इन वेंजेंस, दिस इज द समिंग अप ऑफ शेक्सपियर्स फिलोसफी ऑफ लाइफ, इन विच प्ले डज ही एक्सप्रेस दिस फिलोसफी, कौन से प्ले में वो इस फिलोसफी को एक्सप्रेस करते हैं, हेमलेट में, ट्वेल्थ नाइट में, विंटर्स टेल में या बच्चों टेम्पेस्ट में, बताएं सब बच्चे। हां रूबी टेम्पेस्ट बनेगा, बहुत अच्छे, तो ये बच्चों हमारा क्या बनेगा, टेम्पेस्ट, करेक्ट हो गया आंसर आपका, 39 का आपका आंसर डी बनेगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, और ये बच्चों आज का लास्ट क्वेश्चन बनेगा आपका, ब्रेक माई स्टाफ बरी इट सर्टेन फैदम्स इन द अर्थ एंड डीपर देन डिड एवर प्लूमेट साउंड, I'll drown my book in which in these words Shakespeare pronounces the ending of his dramatic career, in which play does he pronounce this, वो किस प्ले में इसको प्रोनाउंस करते हैं बताइए बच्चों, टेम्पेस्ट में, विंटर्स टेल में, कोरिओलिस में या टाइटस एंड्रोनिकस में। 40 का आंसर हम बच्चों क्या बनाएंगे, अब आप ये देखो इसमें लास्ट कौन सा बैठेगा आपका, अगर इन सब में हम देखें तो लास्ट, क्योंकि वो अपने ड्रामेटिक करियर को एंड कर रहे हैं, ये वाली बात आ रही है। बिल्कुल बिना ए बनेगा शालू, बिल्कुल ठीक है अनंता, बहुत अच्छे, इट इज द टेम्पेस्ट, करेक्ट होगी बात। तो बच्चों इस तरह से हमने आज इन क्वेश्चंस को पूरा कर लिया है, तो टेल मी, सबसे पहली बात आपको इसको लाइक करना है, शेयर करना है बच्चों, सब्सक्राइब करना है, और साथ में मुझे बताएं हाउ डिड यू फाइंड दिस एक्सरसाइज, हाउ डिड यू फाइंड दिस सेशन, हाउ डिड यू फाइंड दिस सेशन, ये सेशन बच्चों आपको कैसा लगा मुझे इसको जरूर बताएं, और अगर इसमें कुछ इंप्रूवमेंट हो सकता है तो उसको भी आप मुझे 100% बताएं, यानी कि अगर आप कुछ चेंज चाहते हैं, कुछ इंप्रूवमेंट चाहते हैं तो भी आपको मुझे इनबॉक्स करना है, तो रिवाइज करना है सब बच्चों को। होप कि आपको पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर मिल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है बच्चों, अच्छा ठीक है, ऑलराइट, एकता, संध्या, बहुत अच्छे, रूबी करेक्ट है, अच्छा शालू सीटेट वाली, बेटा इसमें जो शुरू वाला पोर्शन था 20 क्वेश्चन वो सीटेट में वर्क करेंगे, है ना, एरर्स वाले, वोकैबुलरी वाले वो उसमें वर्क करेंगे, बाकी 20 क्वेश्चन जो बाद वाले हैं ये आपके यूपीटेट में आएंगे और जगहों पे आएंगे, है ना। फ्रूटफुल सेशन, बहुत अच्छी बात है रीना, ठीक है जी, हाँ बिल्कुल मीनाक्षी, मेहनत करनी है बेटा। तो चलिए बच्चों आज यहीं पे ओवर करते हैं हम अपनी क्लास को, मिलते हैं। अच्छा मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं अभी, ऑरली आपको इन्फॉर्मेशन, मैं कोशिश करूंगा कि आपकी क्लास को ब्रेक ना करूं और कोशिश करूं कि ले लूं, बट अभी मुझे कुछ समय के लिए आउट ऑफ स्टेशन होना होगा, है ना,
क्लास तो मैंने आपकी शुरू कर दी है, कल भी आपके लिए, आज भी लिए, मैं कोशिश करूंगा ले लूं, लेकिन अगर एक दो दो तीन दिन का गैप रहता है, क्योंकि दो तीन दिन के लिए मुझे आउट रहना पड़ेगा, तो बच्चों मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा इसके बारे में, राइट। तो इसको ध्यान में रखेंगे सब बच्चे, बाकी आपको मैटर मिलता रहेगा आपके टेलीग्राम चैनल पे, और हम इस पे वर्क करते रहेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट टाइम। रीट अभी शालू पक्का नहीं कहा जा सकता, कुछ भी हो सकता है बेटा। ठीक है ठीक है संध्या, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कराएंगे। हाँ जी बच्चों, मैं इन्फॉर्म कर दूंगा सब बच्चों को। थैंक यू बच्चों, हैव अ ग्रेट टाइम, मिलते हैं फिर, बाय बाय एवरीवन, हैव अ ग्रेट टाइम।